हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजू। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम पॉपलेट फ्राई बनाने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पॉपलेट फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉपलेट फ्राई बनाने के लिए हमने दो फिश लिए है, जिसको हमने इस तरह से काट लिया है। 2 बड़े चम्मच बेसन, 4 मिर्ची, 15 से 16 लहसुन, स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, अदरक, आधा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काला मिरी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। तो चलिए पॉपलेट फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले हम मिर्ची, अदरक, लहसुन इसको बारीक कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे बारीक कर लेंगे, ज़्यादा पानी ऐड ना करें जिससे पतला हो जाएगा। इस तरह से मैंने पेस्ट बना ली है। ये सारी चीज़ें अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी चिल्ली पाउडर, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं रहती, इससे कलर आता है। हल्दी, काली मिरी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, नींबू का रस, हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसे फिश के अंदर स्टफ कर लेंगे। इस तरह से हमें उंगलियों से इसे भर लेना है। ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी भर लेंगे। इसके अंदर अच्छे से मसाला भर लें। ऐसे ही हम दूसरे फिश में भी मसाला भर लेंगे। फिश में इस तरह से मैंने दोनों साइड से मसाला भर लिया है। अब हम बेसन मिक्स कर लेंगे, जिससे हम बाहर से कोट करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको बिल्कुल भी पतला ना करें। मसाला रेडी है। अब हम इस मसाले से फिश को बाहर से कोट करेंगे। दोनों तरफ से कोट कर लेंगे।
इस कोटिंग की वजह से फिश बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। इस तरह से मैंने फिश को दोनों तरफ से कोट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर देंगे। पैन को अच्छे से गरम कर लें। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। गैस का फ्लेम फुल करके ऑयल को अच्छे से गरम होने दें। तेल अच्छे से गरम कर लें जिससे फिश पैन में लगेगी नहीं। फिश तेल में डाल देंगे। फुल गैस में फिश को फ्राई होने दें जिससे फिश नीचे चिपकेगी नहीं। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। ये देखिए फिश पैन को बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी पलट देंगे। फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए फिश को अच्छे से फ्राई कर लें। फिश को हम पलट देंगे फिर से। फिश रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी क्रिस्पी पॉपलेट फ्राई रेडी है। आपको मेरी डिश अच्छी लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।